प्रदेश भर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर जयपुर स्थित उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ गलताजी में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि महोत्सव के पहले दिन स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज द्वारा गालव ऋषि रामानुजाचार्य पयोहरी कील देवाचार्य और रामोदाराचार्य सहित पूर्ववर्ती आचार्यों का पूजन किया गया। इस दौरान शिष्यों ने स्वामी अवधेशाचार्य महाराज से पंच संस्कारित होकर दीक्षा ग्रहण की है। गुरु पूर्णिमा के पावन उत्सव पर मैं सभी देश और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना करता हूं और भगवान से यही कामना करता हूं कि सर्वत्र शांति रहे, समृद्धि रहे, सुख वृष्टि हो। हमारी सनातन परंपरा में गुरु का बड़ा महत्व है और आज के इस विशेष दिन सभी शिष्यगण अपने अपने गुरु का जाकर अर्चन, वंदन और पूजन करते हैं। उसी परंपरा में जो गलताजी वैष्णव परंपरा की प्रधान पीठ उत्तर भारत भर में स्थापित हुई और यहाँ के आचार्यों का अपना एक स्थान पूरे देश भर में रहा, जहाँ सारे राजाओं महाराजाओं के द्वारा ये पूजित स्थान रहा और जनता जनार्दन भी उसी भाव से इसको गुरु स्थान जानती आई है। गुरु पूर्णिमा के दिन जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरुओं के पास आते हैं। जो पुराने शिष्य होते हैं वो गुरु के पास आके गुरु का चरण वंदन करते हैं, चरण पूजन करते हैं और इस दिन नए लोग भी शिष्य बनते हैं गुरुओं के। यहाँ पर हमारे संप्रदाय में जो गलता पीठ की परंपरा है उसमें यहाँ पर पंच संस्कार करके दीक्षित किया जाता है शिष्यों को। जब शिष्य यहाँ दीक्षित हो जाते हैं तो यहाँ पर एक उर्ग पुरुंडर करके उनका तिलक किया जाता है, उनको शंख चक्र की छाप दी जाती है और उसके बाद ये रहता है कि जो शिष्य हैं वो जो भी हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय है उसके सब नियमों की पालना करें। मांस मच्छी मदिरा अगर पूर्व में लेते रहें तो उनका त्याग करें, वो प्याज लहसुन पूरी तरह से त्याग दें और ऐसे कार्य करें जो समाज के हित में हो, जो धर्म को देखते हुए हो, ऐसे कार्य करते रहें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होता है और वर्ष में एक बार सभी शिष्य गुरुओं के पास आ सकें, उनका स्मरण कर सकें, उनको याद कर सकें, इसके लिए दिन रहता है, तो उसका ये विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भक्ति और ज्ञान की विशाल संपत्ति प्रदान करने वाले गुरुजनों के सम्मान में मनाया जाता है।